रहा है वो कोई सियासी धरना नहीं है या कोई मजहबी धरना नहीं है। तो मो टिगरे नो टाइम बिगे नो चेग असे दारे चवानन रिनो हर फरत असे दारे चवान अगर की अनुदरन असीर की बेटी बात कर रही हूँ। आज यहाँ पे हम मुकम्मल 5 दिन से धरना लगा। गैरत गवारा नहीं करती कि हमारी खवातीन रोड पे हो और हम घर में आराम से। आज ये शंदूर में पोलो देखने के लिए गए हुए हैं और आज उनको एक जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है। इनको मुसलमान तो दूर की बात, इनको इंसान कहना भी इंसानियत की तोहिन है। चाहे वो कोई सियासी धरना नहीं है या कोई मजहबी धरना नहीं है। हमारा जो मकतब है वो मकतब अहले तशय्यी है। हमारा मकसद फसाद फैलाना शर फैलाना नहीं है। हमने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, हमने बहुत सब्र किया है, हमसे बहुत मोहलतें भी मांगी गई। हमने इस कौम मुमलिकत पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हमने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। हम आज तक रोड पे नहीं निकले थे। आज इस आला हुक्मरान की वजह से, इस गद्दार अवाम की वजह से आज हम रोड पे निकलने पे मजबूर हो गए हैं। हम माएँ बहनें आज रोड पे क्यों निकली हैं? अपने जुल्म से तंग आके हम आज रोड पे निकली है। हरी है इधर, लेकिन अभी तक कुछ तो हया करे, कुछ तो शर्म करे ये हुक्मरान, कुछ तो हया करे। इनकी भी माएँ हैं, इनकी भी बहनें हैं। आज 5 दिनों से हम रोड पे हैं, कोई आला इक्तदार आके हमसे ये नहीं पूछता है कि हमारे मसाइल क्या हैं। हमारा पहला और फाइनल यही हमारा वो है कि हम इस धरने से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं होंगे। सानिया 13 अक्टूबर पे हमारे 14 असीरों को उस बेबुनियाद केस पे, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं, एक तालिब इल्म के हक की खातिर बच्चे बाहर निकले थे, उस पे अंधाधुंध सुबह से शाम तक लातादाद फायरिंग हो गई गिलगित में। वो सबको पता है रेंजर्स वालों ने अंधाधुंध गिलगित में फायरिंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि माल मवेशियों तक रहम नहीं हुआ। हमारे 7 शहदा समेत 2 सैदानियों को शहीद किया उन्होंने। उनके कातिल हमें दिखाएं, उनके कातिल लाके हमें दे। असीर मिले थे उनको बंद करके जेल की सलाखों के पीछे, पिछले 8 साल से वो जेल की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। किस बुनियाद पे उनको बंद किया है? जुर्म क्या है उनका? किसका कत्ल किया है? क्या सबूत है उनके पास? किस बुनियाद पे उनको बंद किया है जेल की सलाखों के पीछे? बीमार करवा के उनको कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको रेफर किया हुआ है, वहाँ भी उनको जहनी टॉर्चर दी जा रही है। हॉस्पिटल में भी उनको सुकून से जहाँ इलाज के लिए लेके आए वहाँ पे भी उनको सुकून नहीं है, वहाँ भी उनको जहनी टॉर्चर दी जा रही है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी गवर्नमेंट है? इधर हमारे हुकूक नहीं है, इधर हमारा हक नहीं है, ये इलाका हमारा नहीं है। ये इलाका, ये सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान शहदा की सरजमीन है। शहदा के खून से ये जमीन सरसब्ज हुई है। ये मत समझे ये आला हुक्मरान ये इनके बाप दादा की जागीर नहीं है, ये हमारे बाप दादा की जागीर है। हमारा ये पैगाम इन आला इक्तदार गद्दार गवर्नमेंट को, मैं यहीं जोर मुजहमत करके ये बात कहती हूँ, ये गद्दार गवर्नमेंट सुन ले, ये मत समझे ये चालाकियाँ हमारे साथ नहीं करें कि ये हम ये धरना ख़त्म करेंगे। ये धरना किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारे 14 असीर बाइज़्ज़त जमानत पे भी नहीं, जब तक ये लोग बाइज़्ज़त बरी हो के हमारे सामने लाके खड़ा करके हम इनको अपने साथ घर लेके नहीं जाएंगे, तब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। ये हमारा फाइनल फैसला है। ये हमारी ये आवाज़ आला इक्तदार सुन ले, ये हमारा फाइनल फैसला है। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारे भाई बाइज़्ज़त बरी हो के हमारे साथ घर नहीं चलेंगे, तब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। जब तक हमारा मुतालबा हल नहीं होगा हम यहाँ पर धरने पर ही रहेंगे। हमारा धरना ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारे असीरों को रिहा नहीं किया जाएगा। 14 सालों से हमारे असीर जो अनदिशर बेहनस और न गवर्नमेंट की तरफ जो कौत नस को सियासतदान अब न को तो वो टिगरे नो टाइम बिगे नो चेग असे दारे चवानन रिनो हर फरत असे दारे चवान अगर की अनु धरना अश अदान असीर और रिहाई करिया रेनो का रिनेवे अगर के अनु गवर्नमेंट धरना कसु तो अनदिशर इलेक्शन का रसो तो आंटी जटे गाड़ी खड़ा बेन सक असो वी आई पी पैकिंग वन सक बे तब ती अनु रेस ही करबला अनु मैदान तेन अनु वक्त ही करबला अनु से निदुन बेहन सुट ले लू शाह तो सवाल था ना सुख अवल तो जी खुदा हन को से परुजे और खिरी जमीन न मजा तो अनि जालिम हुकुमरा निको की असे परुजोग बखनुश असे असे रोजे गुनाह जेक पशीगन जेक जुरु मजरिस आदत है जरा थरे गे न जी
रिनो गुटे एनो जे खालबो कवाजे एनो बाल बच्चे रिनो रेनो जे खालबो कवाजे। मैं असीरान कमेटी की तरफ से एक असीर की बेटी बात कर रही हूँ। आज यहाँ पे हम मुकम्मल 5 दिन से धरना लगा रहे, न गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया है, ना वफाकी वजीर कोई भी नहीं आया यहाँ पे। हम तपती धूप गर्मी में यहाँ पे इतना धरना दे रहे, नारे लगा रहे, गवर्नमेंट हमारी बेगैरत गद्दार हुकूमत जो है बिल्कुल टस से मस नहीं है। हम इधर मर रहे गर्मी में, धरने दे रहे, हर हमारे दिलों में जो दुख है ना वो हम बयान नहीं कर सकते। देख रहे हैं 5 दिनों से हमारी माएँ बहनें छोटे बच्चे बुजुर्ग जवान रोडों पे आ चुके हैं। आज 5 दिन हो चुके हैं और ये नाअहल हुकूमत, ये इंतज़ामिया कि जो कि रियासत मदीना का दावा करके आई थी, आज ये शंदूर में पोलो देखने के लिए गए हुए हैं, तमाशा देखने के लिए गए हुए हैं और आज उनको एक ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं है। इनको मुसलमान तो दूर की बात, इनको इंसान कहना भी इंसानियत की तोहीन है। हम पाकिस्तान की नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज हैं, लेकिन आज हमारी ख्वातीन, आज हमारे बच्चे, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ख्वातीन रोड पर आई है। ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हमारी ख्वातीन रोड पर हो और हम घर में आराम से बैठे, लेकिन मैं हैरान हूँ कितने बेगैरत है, बेहिस है वो अवामी नुमाइंदे कि जो इस वक्त असम्बलियों में जाके अपने तनख्वाहें तो बढ़ा रहे हैं, अपनी मफादात तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन कौम की खातिर कोई टस से मस नहीं है। इस बेचारी कौम का पूछने वाला नहीं है, सितम वाला है। सितम क्या है? शहीद भी हम होते हैं, असीर भी हम होते हैं। 13 अक्टूबर के वाकये में मेरे घर की मेरी बहन को जख्मी किया गया, मेरी सैयदानियों को, मेरे रिश्तेदारों को शहीद किया गया, 7 मोमिनीन को शहीद किया, उनका एक कातिल भी गिरफ्तार नहीं, और बलवे के केस में इतने 14 असीरों को 17 सालों से रगड़ रहे हैं, उन पर कोई जुर्म भी साबित नहीं है। लाए अदालती कार्रवाई को, जुडिशल कार्रवाई को पब्लिक करे, दिखाए क्या हो रहा है, करते हैं करना दिए हुए बैठे हैं, भूख और प्यास गर्मी बर्दाश्त कर रहे, लेकिन ये जुल्म इनको नजर नहीं आता। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जालिम नाकाम होगा, नामुराद होगा और मजलूम को फतह और कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला